जाति जनगणना का मकसद है कि जो जातियों की गिनती हो, जो कमजोर जातियां हैं, जो आज तक उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी गिनती हो, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मिले, उनकी गिनती होना जरूरी है। तो जो जातिवार जनगणना की बात मोहन भागवत जी ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, NDA गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी, और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें और जातिवार जनगणना होके रहेगी। 2022 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, दोनों में सियासी मुद्दा भी रहा है। देखिए, वो लोग चुनावी इशू बना के लड़ रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी, तब उस पर ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पर लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है, इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है राजनीति में, 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है, तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस, सपा, बसपा ने उन तक नहीं पहुँच पाई।